मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सचिवालय में कर्मचारी संघ की 6 महीने पुरानी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। संघ के सबसे युवा अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा को बधाई देते हुए राजे ने कहा कि कर्मचारियों की सारी मांगे मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीएम राजे ने नई भर्ती कराने का वादा किया और कहा कि इसके लिए बाकायदा प्रोग्राम बना लिया गया है। वसुंधरा राजे ने मंदिरों के उद्धार के लिए 600 करोड़ की राशि देने और पहली बार पैनोरमा के लिए 125 करोड़ की राशि देने का भी जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण भारत जैसे स्वच्छ मंदिर प्रांगण रखे जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 लाख किसानों को फायदा देने का काम किया है। पिंटू सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। पिंटू, क्या कुछ खास घोषणाएं रही इस दौरान? देवश्री, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरी तरह से अब चुनावी राह पे निकल चुकी है। लगातार अगर सीएम राजे के पिछले भाषण देखें तो उन भाषण में पूरी तरह से चुनावी छाप नजर आ रही है और सीएम राजे इस चीज को अच्छे से जानती है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव अगर जीतना है तो कर्मचारियों की नाराजगी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले परिणाम में यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वो भुगत चुके हैं। अगर कर्मचारियों को नाराज कर यहाँ पर चुनाव में जाना कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा हो सकता है, इसलिए सीएम राजे इस चीज को अच्छे से जानती है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार कर्मचारियों की नाराजगी दिखी जा रही थी। अधिकारी पदोन्नति का मामला हो, चाहे जो छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का मामला था उसके चलते सातवां वेतन आयोग भी लागू नहीं हो पा रहा था, इसके चलते अधिकारियों में एक नाराजगी थी, कर्मचारियों में नाराजगी थी। उस रोष को दूर करने के लिए जो बजट सत्र अभी आया उसमें तमाम चीजें कर्मचारियों के लिए हित के लिए जो बातें की गई उनसे कर्मचारियों को एक बार फिर से यहाँ पर लुभाने का सीएम राजे ने प्रयास किया। आज जब सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथ समारोह का जब दिन था तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो स्पीच था वो साफ तौर पर चुनावी नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर्मचारियों को बिग थिंक और बिग वर्क बिग हेल्प का नारा देते हुए नजर आए। सीएम राजे ने कहा कि अगर कोई उनकी अन्य मांगे है तो उनको मिल बैठकर सोल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि सीएम राजे अच्छे से जानती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो सरकार का फेस होता है, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में रखते हैं और सरकार की एक अच्छी छवि बनाने का जो काम करती है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, इसलिए उनको नाराज नहीं किया जा सकता। लगातार जो मांगे चल रही थी चाहे वो पदोन्नति की हो, क्योंकि लगातार जो आरएस थे आरएस से आईएएस में करने का यहां पर कोई प्रदेश सरकार में इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया था, तो उस डेडलॉक को खत्म करते हुए सीएम राजे ने जो आरएस से आईएएस करने का जो पदोन्नति की गई है उससे भी काफी कर्मचारियों को यहाँ पर सीएम राजे ने साधने का काम किया है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले, क्योंकि ये देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये खामियाजा भुगता था कर्मचारियों की नाराजगी का, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे वो छोटे से कर्मचारी हो चाहे बड़े ब्यूरोक्रेसी को हो, तो उन सब चीजों को साधते हुए सीएम राजे ने आज जो भाषण दिया वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। साफ तौर पर कहें कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उपचुनावों में जो हार मिली है उसके बाद फुल ऑन मोड में पार्टी चुनावी मोड में आ गई है, बैठकों का दौर जारी है, और जैसा कि पहले की जो पार्टी की मीटिंग्स हुई थी उनमें साफ किया गया था कि अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है, कोई किसी वजह से कोई नाराजगी रह गई है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, मुख्यधारा में जोड़ने की तैयारियां शुरू की जाएंगी, तो कह सकते हैं कि जो मीटिंग हुई आज और जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो सीएम ने भाषण दिया वो साफ तौर पर इसी लाइन की ओर ज्यादा दिख रहा है। देखिए देवश्री, बताना चाहूंगा कि उपचुनाव का जो परिणाम आया वाकई में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो परिणाम आया उससे बीजेपी काफी चिंतित है, क्योंकि इस प्रकार की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, सीएम राज्य को नहीं थी कि ये परिणाम उनके पक्ष में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि वसुंधरा राजे हमेशा ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास करती है, लेकिन ये जो इस प्रकार की रिपोर्ट सीएम राज्य के पास नहीं थी कि हम तीनों उपचुनाव परिणाम हार जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्गों को और सभी तबकों को यहां पर बजट सत्र में साधने का काम किया, जितनी भी जिस वर्ग की तबके भी जिस भी संगठन की जो मांगे थी उन सबको यहां पर पूरा करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो होम कार्ड हो, चाहे वो विद्युत विभाग के हो, चाहे किसी भी विभाग के हो, आरएस से आईएएस में पदोन्नत करने का मामला हो, इन तमाम चीजों को या सातवें वेतन आयोग को, चाहे पुलिस कर्मियों का मामला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्गों को साधते हुए सीएम वसुंधरा राजे इस बात को अच्छे से जानती है कि कर्मचारियों को साधे हुए ब्यूरोक्रेट्स को साधे हुए चुनाव में नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मचारी सरकार का फेस होते हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आज जो नारा सीएम ने दिया कि सीएम ने कहा कि जो प्रदेश के जो 2100 लोग हैं जिनमें से 200 विधायक हो, 25 सांसद हो, 10 राज्यसभा के सांसद और 800 जो अधिकारी हैं, ये कुल मिला के 2100 लोग प्रदेश की 7 करोड़ जनता का भविष्य तय करने वाले लोग हैं, तो इन सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई मनमुटाव हो तो उन्हें बैठकर दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि
सीएम राज जी इस प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती है, किसी प्रकार से कर्मचारियों में अधिकारियों में नाराजगी हो, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भुगतने को मिल सकता है। जी जी पिंटू, जैसे तैयारियां की जा रही हैं, कोई कोर कसर पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है, कार्यकर्ताओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, तमाम कवायदे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की जा रही है, क्या वाकई लगता है कि जिस तरीके से उपचुनावों के रिजल्ट रहे और ये मैसेज आया कि जनता कहीं ना कहीं खुश नहीं है पार्टी से और योजनाएं सही तरीके से पार्टी की कार्यशैली जो है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो क्या इन तमाम चीजों के सुधार के बाद राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा मिलेगा और ये जो खुश करने की कवायद है वो सफल हो पाएगी? देखो देवश्री, मैं आप पर यहाँ पर अपडेट करना चाहूंगा कि वसुंधरा सरकार एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में काबिज होने का एक सपना देख रही है, लेकिन ये रियलिटी कि यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में मिथ्या कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मोदी के सहारे एक जो एक माहौल पिछले कुछ सालों में बना है कि पूरे देश भर में बीजेपी का एक माहौल बना है, मोदी के सहारे यहाँ पर वो एक सपना लेकर चल रहे हैं कि हम यहाँ पर सत्ता में पुनः काबिज होंगे, लेकिन उपचुनाव का जो परिणाम रहा वो बीजेपी को पूरी तरह से तोड़ चुका है। बीजेपी को इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि उनको जनता इस प्रकार का मत देगी या जनता उनको किसी भी उपचुनाव में इस बुरी तरह से हरा पाएगी, क्योंकि 17 विधानसभा सीटों में एक जगह उनको बढ़त नहीं मिली, उससे बीजेपी काफी चिंतित है, क्योंकि बीजेपी को एक शहरी पार्टी कहा जाता है, लेकिन बीजेपी का जो शहरी वोट बैंक है वो भी छिटकता जा रहा है। ऐसे में जो उपचुनाव में तमाम जो लगातार जो संगठन थे जो भी विरोध प्रदर्शन करे तो उनकी नाराजगी का खामियाजा यहां पर मिला, और बजट में जो अभी विधानसभा का जो 2018 बजट सत्र आया उसमें साफ तौर पर सभी को यहां पर लुभाने का प्रयास किया, सभी तबकों को चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान हो सभी को यहां पर लुभाने का प्रयास किया गया और सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई घोषणाएं की गई, और वही आज इस शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भले ही वो शपथ ग्रहण समारोह कर्मचारियों का हो लेकिन वहां पर भी सीएम राजे किसानों युवाओं की जो घोषणाएं की गई है उनको गिनाते हुए नजर आ रही थी। जी देवश्री जी धन्यवाद पिंटू तमाम जानकारियों के लिए। तो कोशिशें लगातार की जा रही है सरकार द्वारा ताकि जीत दर्ज हो सके, और जैसा कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि दूसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती कोई पार्टी, उस इतिहास को बीजेपी इस वक्त बदलने की पूरी कवायद में जुट गई है। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश भाजपा परिषद की बैठक की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में इस परिषद की बैठक को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। भाजपा परिषद के सभी सांसद विधायक और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री और मोर्चे के अध्यक्ष महामंत्री साथ ही प्रदेश भर के यूआईटी चेयरमैन मेयर जिला प्रमुख बोर्ड आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बैठक पूरी तरह से चुनावी होगी और इससे आगामी विधानसभा चुनावों के रणों को जीतने पर संवाद होगा। 4 अप्रैल को बिरला सभागार में संवाद आयोजित किया जाएगा। उधर सरकारी डिस्पेंसरी को निजी हाथों में सौंपने को लेकर सरकार के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में हुए सद्बुद्धि यज्ञ में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने लगातार 4 साल तक जनता के साथ कुठाराघात किया है, सरकारी कार्यालयों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने थोथी घोषणाएं की हैं, सिर्फ चुनावी घोषणाएं की हैं जिसे जनता समझ चुकी है। ये कर नहीं पाएगी, ये बातें ही बातें हैं। सरकार जिस तरह की घोषणाएं कर रही है वो चुनावी घोषणाएं हैं, इसमें ना कोई कानूनी जोर नजर आ रहा है ना बजट का प्रावधान किया गया। जहाँ बजट नहीं होगा, लीगली सारा सेटअप सेट नहीं होगा, तब तक ये हो नहीं पाएगा। लोगों को समझना पड़ेगा ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं कभी इंप्लीमेंट नहीं होती है। बीजेपी हारने से डर रही है। प्रदेश भाजपा में अब जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा करवाए गए कार्यों की नब्ज टटोलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जहां प्रदेश भर में अप्रैल में चुनावी दौरा करेंगी, वहीं बीजेपी के 30 बड़े नेता 3 दिनों के जिलों के प्रवास पर रहकर वहां के मौजूदा जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों के कार्यों का अवलोकन कर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण में इससे मदद मिलेगी। प्रत्याशी का कोई विशेष दौरे में नहीं है, इसलिए केवल संगठनात्मक और समाज के लोगों से मिलने का कार्यक्रम पूरा ही रहेगा। इसकी भी कोई रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी नेतृत्व को? तो सदैव ये हमेशा रहता है, जब भी कोई कार्यकर्ता प्रवास पे आता है या घूमते अपने प्रवास करके आता है, घूम के फिर के आता है, तो उसकी जानकारी संगठन और सरकार के वरिष्ठ लोगों को देता है।
राजस्थान में नकल गिरोहों की सक्रियता के बाद रद्द की गई पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा अब ऑफलाइन कराई जाएगी। सीएम निवास पर बुधवार को हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में यह अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पद भी 5,390 से बढ़ाकर 20,000 से अधिक कर दिए गए हैं। नए आवेदनों के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति निकाली जा सकती है। गौरतलब है कि पुलिस ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 7 मार्च से शुरू हुई थी और 45 दिन चलनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 4 दिन बाद में ही हाईटेक तरीकों से नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा होने लगा। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। राजस्थान के हिंडौन सिटी राजकीय अस्पताल में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए बाबू को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू ने रिटायर्ड कर्मचारी के दस्तावेजों की पूर्ति के आवज में 50,000 की रिश्वत मांगी थी। बाबू मदन मोहन ने 20,000 रूपये 8 महीने पहले ही ले लिए थे और 30,000 रूपये क्रय विक्रय दवाई की दुकान पर रखवा लिए, लेकिन दुकान संचालक मौके से फरार हो गया। जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉ बलबीर सिंह तोमर ने विश्व जल दिवस पर लोगों से पानी बचाने की अपील की। डॉ तोमर ने ट्वीट कर कहा है कि जल हमारी पहली आवश्यकता है और आज भी विश्व में करीब 2.1 अरब लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। हमें भविष्य में प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी नमामि गंगे जैसे अभियानों से अच्छा प्रयास कर रही है। इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में हर संभव हमें सहयोग करना चाहिए। पोकरण शहर के युवा कलाकार निलेश व्यास हाल ही में पीआरजी कंपनी द्वारा बनाए गए राजस्थानी गीत सरारा उरड़े वीडियो में मुख्य रोल निभाकर परमाणु नगरी पोकरण का नाम रोशन किया है। वही व्यास के पोकरण पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने बताया कि उनके पिता धर्मनारायण व्यास जैसलमेर में सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं। वही व्यास ने एक साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें उन्होंने कई वीडियोज अपलोड की। इन्हीं वीडियोज में उनके द्वारा किए गए अभिनय और किरदारों को देखते हुए राजस्थानी संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रही पीआरजी कंपनी के अधिकारियों ने व्यास से संपर्क किया। इन दिनों उनका वीडियो जारी होने के साथ ही लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि ये वीडियो वर्ल्ड ट्रेडिंग वीडियो में सिलेक्ट भी हुआ है। पोखरण शहर के जैसलमेर रोड स्थित सागड़ा फाटा के पास बुलेरो और ट्रेलर में भिड़ंत हुई, जिसके बाद बुलेरो सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बुलेरो सवार जैसलमेर की तरफ से पोखरण की ओर आ रहा था। इस दौरान पोखरण की ओर से आ रही ट्रेलर से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बुलेरो सवार के हाथ में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही एएसआई पद्माराम और लवा चौकी प्रभारी सवाई सिंह तंवर ने घटनास्थल पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों का नेशनल हाईवे से हटाया। राजस्थान के बूंदी जिले में किसान समर्थन मूल्य पर जीत्स की तुलाई नहीं होने से परेशान है। जीत्सों के आए दिन सैंपल फेल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर जीत्स की धुलाई नहीं हो रही है, जिसके कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आर्य साहब चना को तुलाई नहीं करवा रहे हैं, जो यहाँ से गाड़ी भेजी कल परसों जो बेरा से वापिस कर दी कि इसमें काले दाने हैं भूरे दाने हैं, तो ये तो खास के सभी का आती है साहब। किस प्रकार की क्वालिटी मांग रहे हैं लोग? वो मांगते कि एक ही क्वालिटी हो, भूरा हो तो भूरा ही होवे, काला हो तो काला ही होवे। तो कुछ थोड़ा बहुत 25% दाने मिक्स है भूरे में काले, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। यहाँ से तो तुलाई करके भेज दी बूंदी से, तो लेकिन वो कोटे वाले ने मना कर दिया। कितने दिनों से आप यहाँ पे हो? यहाँ हमारे को कल से है सर। वैसे अरे की जो माल है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है, इसमें जो मिलावट आ रही है मतलब मिक्सिंग माल नहीं ले रहे है, कि एक सेम दाना होना चाहिए, वो समस्या आ रही है। सोचे नहीं ले पा रहे हो कारण उससे जो परेशान हो रहे हैं सभी किसान में, बहुत सारे क्षेत्र से सभी क्षेत्र से आ रहे हैं, उड़द में ये समस्या थी और ये समस्या अगर रहेगी तो कैसे माल को ले पाएंगे मतलब। रामदेव का 665वां जन्म अवतरण दिवस धार्मिक स्थली रामदेवरा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे लेकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। बाबा रामदेव का जन्म अवतरण भादवा माह के शुक्ल पक्ष के दूज के दिन माना जाता है। उस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष रामदेवरा में राज्य का सबसे बड़ा भादवा मेला का आयोजन होता है।
वर्ष भर में उस औसतन 75 लाख से अधिक लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। महाराज का 667वां जन्मदिन है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे मंगला आरती में उन्हें अभिषेक पंचासन से अभिषेक करवाया गया और सोने का मुकुट चढ़ा करके और बस्ती के लोग भी इनमें चोर समाज के लोग भी शामिल हुए। कोटा में NH-76 पर हैंगिंग ब्रिज के पास बने टोल प्लाजा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं से समझाइश की कोशिश की। पीसीसी महासचिव पंकज मेहता का कहना है कि टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाली गाड़ियों के आपराधिक तत्व के लोगों का सामना करना पड़ रहा है। इस टोल पर अनाधिकृत तरीके से टोल की वसूली की जा रही है, जिसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह तय कर लिया है कि किसी भी हालत में टोल पर अवैध वसूली नहीं होगी। भाग्य की बात है, कोटा शहर में अनाधिकृत रूप से नियमाविरुद्ध टोल की वसूली प्रारंभ की गई है। इसका विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। हर धर्मिता पूर्ण रवैये के कारण जन आक्रोश व्याप्त थे और आज उसी की परिणति स्वरूप कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम यहां आकर प्रशासन को सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये नियमाविरुद्ध अनाधिकृत काम अविलंब बंद करें, अन्यथा कांग्रेस का कार्यकर्ता टोल वसूली होने नहीं देगा। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दुर्भाग्य की बात यह है, टोल वसूली में लिप्त लोग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और गुंडा ये तत्व दबंग लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।